नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। आज आलमी योम कुद्स के मौके पर आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हैं एक ऐसे वेबिनार के साथ जिसमें मुख्तलिफ़ उलमा इकराम जिन्हें हिंदुस्तान में तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है और आप हजरात वाकिफ़ हैं कि आज के दिन पूरी दुनिया में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए पूरी दुनिया में आलमी योम कुद्स मनाया जाता है और आज इसलिए ये वेबिनार आप तमाम नाज़रीन खिदमत में पेश कर रहे हैं ताकि इस मसले की अहमियत को जाना जाए। और आज इस वेबिनार में अपने अपने तासुरात पेश करने के लिए मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़फ़र हुसैनी साहब क़िबला इमाम जुमा बनारस, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़मीरुल हसन साहब क़िबला बनारस, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद असलम रिजवी साहब क़िबला पुणे, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर साहब क़िबला बनारस, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद अकील हुसैनी साहब क़िबला बनारस, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद अमीन हैदर हुसैनी साहब क़िबला बनारस, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद तहजीबुल हसन साहब क़िबला इमाम जुमा रांची। आइए इस वेबिनार के आगाज़ के लिए सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाहता हूँ जनाब ताहिर जवाद सलामहू को कि वो आए तिलावत के फ़राइज़ को अंजाम दे। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط
वेबिनार का तिलावत कलाम पाक से आगाज़ हो चुका है। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला इमाम जुमा रांची को आवाज़ दूँ कि वो आए और अपने तासुरात पेश करें। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि समिअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस मरतबा का माह रमज़ान मुबारक पूरा लॉकडाउन में तकरीबन गुजर चुका है और ये यौम कुद्स इसलिए मनाया जाता है कि हमारा क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जो है वो सिहूनी ताकतों के कब्ज़े में पाया जाता है। इस सिलसिले में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर सारी दुनिया का मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो बैतुल मुक़द्दस को एक दिन में आज़ाद कराया जा सकता है। इस सिहूनी ताकतों के खिलाफ फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों की हिमायत में बड़ी से बड़ी शाही हुकूमतें बिल्कुल हमेशा और हमेशा खामोश रहीं। अगर बबांगे दुहल मुकाबला किसी ने किया और मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ अगर शाने से शाना मिला के कोई खड़ा रहा है तो उस मुल्क का नाम सरजमीन ईरान इस्लामी इनकलाब है और हसन नसरुल्लाह के लोग हैं जो इस अमल को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं तमाम नाजरीन से गुजारिश करता हूं कि यौम कुद्स के मौके पर, जुमतुल विदा के मौके पर आप अपनी हुकूमत के नाम एक पैगाम इरसाल करें कि वो इसराइल पर कम से कम दबाव दे कि मुसलमानों के क़िबले अव्वल को आज़ाद किया जाए। दूसरी गुजारिश यह है कि रोज़े ईदुल फित्र इस साल जो हम मनाने जा रहे हैं दिगर ईदों के मुकाबले में आज की ईद बहुत ही इम्तिहानी मंजिल से गुजर रही है। बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है तो उन्हें लिबास कहाँ से मिलेगा। लिहाजा इस मरतबा आप उस तरीके से ईद ना मनाएं जैसे आप ईद मनाते थे, और फिर मनाएंगे भी तो हम कैसे मनाएं, इसलिए कि शबों की तारीखें यूं ही गुजर गईं, शबहाए कदर हम यूं ही गुजर गया, जुमतुल विदा हमारा यूं ही गुजर गया और गुजर रहा है, ये जो बकिया दिन हैं यूं भी हमारी मायूसी के गुजर रहे हैं, जो हक इबादत था खाने खुदा में जाके करने का हम नहीं कर पाए। लिहाजा आइए इस मरतबा की ईद उल फित्र से पहले हम ये अहद कर लें कि हमारे समाज हमारे माशरे में कोई ऐसा घर न हो कि जिसके घर में हमारे ईद के दिन जो है वो खुशियां न मिल सकें जो यकीनन होनी चाहिए। लिबास तो नहीं है मगर इन गुरबा के घर में हमारा और आपका दीनी और शरई फरीजा बनता है कि इन घरों में चूल्हा जलाने का हम आहद करें और इनके घर में भी बेहतरीन गजा पहुंचाने का अहतमाम करें और अहतमाम करके इंदल्ला माजूर हों। यही हमारी सबसे बड़ी ईद होगी, यही सबसे बड़ा आज का इस्लाम का हमारा मैसेज होगा, ये इस वक्त की जरूरत का नाम है। लिहाजा ईद उल फित्र खुशियां जहां बांटती हैं वहीं पर एक दूसरे की मिजाज पुरसी, एक दूसरे की हमदर्दी, ये भी एक बहुत बड़ी इबादत का मरकज है। हम अपनी जानिब से और अपनी टीम बनारस के अज़दार की जानिब से मौलाना का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए अब हम आवाज़ देने जा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद अमीन हैदर हुसैनी साहब क़िबला को कि वो आएँ अपने तासुरात पेश करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिश शाकिरीन। अलहम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमिन नबीन बिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल मज़लूमीन सियमा बक़ियतुल्लाहिल आज़म
मौलाना साहिब अल-असर वज़्ज़मान वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। क़ाला अली अलैहिस्सलाम कूना लिज़्ज़ालिमी लिज़्ज़ालिमे खस्मा वलिल मज़लूमे औना। दीन मुबीन इस्लाम अमन व अमान और सुलह आश्ती का पैगाम लेकर आया है। इस्लाम आया है इंसान को इंसान बनाने के लिए। इस्लाम आया है मज़लूमों की हिमायत करने के लिए और ज़ालिम के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए। इस्लाम हमें दर्स देता है न ज़ुल्म करो और न ज़ुल्म सहो, बल्कि ऐसे कहता है कि जो ज़ुल्म कर रहा है उसके ख़िलाफ़ उसकी मुखालिफत करो, उसके ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करो। चुनांचे मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के मकतूब नंबर 47 में अपनी आखिरी वसीयत ज़रबत लगने के बाद अपनी आखिरी वसीयत में अपने दो बुज़ुर्गवार फ़र्जंदों को मुखातब करार देते हुए इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुखातब करार देते हुए इसी सिलसिले में इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे फ़र्जंद ऐ मेरे दोनों बेटे कूना लिज़्ज़ालिमे खस्मा ज़ालिमों से इजहार नफ़रत करो उनके दुश्मन रहो और मज़लूमों की हिमायत करते रहो और उनके मुआविनों मददगार रहो। अरबाब ईमान ज़ुल्म और सितम एक ऐसा फ़ेल बद है कि जिसकी हर मज़हब में मज़म्मत की गई है, चाहे हमारा मज़हब हो या दूसरे मज़हब हो, किसी मज़हब में ज़ुल्म की हिमायत नहीं की गई है बल्कि सारे मज़हब में ज़ुल्म की मज़म्मत की गई है। लिहाजा इस्लाम सबसे पहला पैगाम हमें यह देता है कि देखो ज़ुल्म ना करो। अज़ीज़ान ईमान आज पूरी दुनिया में ज़ुल्म और सितम का बाज़ार गर्म है और ज़ुल्म और सितम करने वालों में सरे फहरिस्त अगर कोई है तो वो इसराइल है और उसके हमनवा बाज़ ममालिक हैं। निहत्ते फ़िलिस्तीन के ऊपर ज़ुल्म और बर्बरियत रवा है, मज़लूमों का खून बहाया जा रहा है फ़िलिस्तीन में, माओं की कोख से, बल्कि ऐसे कहा जाए कि माओं के छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। लेकिन आलम दुनिया इस्लाम हो या पूरी दुनिया हो, दुनिया इंसानियत हो, खामोश तमाशाई बनी हुई है। अरबाब ईमान आप जानते हैं कि फ़िलिस्तीन हम मुसलमानों का है, शहर कुस्त हमारा है, बैतुल मुकद्दस हमारा है, हमारे पास सारे तारीख़ी शवाहिद मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है कि फ़िलिस्तीन हमारा है, हमारी सरज़मीन है। इसराइल ने बहुत पहले तवील अरसे बहुत पहले एक मज़मूम साजिश के तहत फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करना शुरू किया। ये सहयोनी धीरे धीरे फ़िलिस्तीन में आए और आते आते और एक मौका वो आया कि पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर चुके हैं। अरबाब ईमान हम आखिर सवाल लोग कर सकते हैं कि हम यौम कुस क्यों मनाते हैं, हमारा यौम कुस से क्या वास्ता है। तो आइए सबसे पहले बताएं किसके ऐलान पर हम यौम कुस मनाते हैं। आइए सबसे पहले इसके बारे में आपको बताता चलूं कि हज़रत इमाम खुमैनी ताबसराह जब इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद रहबर कबीर हज़रत इमाम खुमैनी ताबसराह ने तमाम दुनिया इंसानियत को ऐलान किया कि रमज़ान के आखिरी जुमे को, जिसे जुमैतुल विदा कहा जाता है, रमज़ान के आखिरी जुमे को यौमुल कुस के उन्वान से मनाया जाए, ये किसने ऐलान किया? हुसैन का मानने वाला, अली का मानने वाला, कि जो हमें दर्स इनकलाब दे रहा है, हमें दर्स दे रहा है कि ज़ालिम के आगे कभी घुटने ना टेकना, हमेशा उसकी मुखालिफत करते रहना, क्योंकि हम हुसैनी हैं, हुसैन के मानने वाले हैं। हुसैन ने अपनी गर्दन कटा दी लेकिन जालिम के आगे झुकते हुए नज़र नहीं आए। इमाम खुमैनी के इस ऐलान पर, जब ऐलान इमाम खुमैनी ने किया इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद,
तो जो जो बेदार मुसलमान थे, बेदार ज़मीर थे, सब ने इमाम खुमैनी की आवाज़ पर लब्बैक कहा। और लब्बैक कहने के बाद जुमतुल्विदा के दिन, रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन लोग सदाए एहतजाज बुलंद करते थे और आज तक करते चले आ रहे हैं। ये किसके ऐलान पर? इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के ऐलान पर। अरबाब ईमान, आज क्या वजह है हम फिलिस्तीन को इसराइल के चंगुल से क्यों नहीं आज़ाद करा पा रहे हैं? सबसे अहम वजह यह है कि हम मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद नहीं है, यूनिटी नहीं है। दुश्मन यही चाहता है कि ये आपस में लड़ते रहें। मक्का और मदीना मरकज़े तौहीद है, जहाँ से इंसान को कुव्वत और ताकत नसीब होती है, ताकत मिलती है। लेकिन उसी सरजमीन पर हुकूमत करने वाले सऊदी बादशाह, ज़बान पर तो उनके अल्लाहु अकबर का विर्द रहता है, लेकिन दिल में उनके आका, उनके खुदा यही इसराइल और अमेरिका हैं। वो जानते हैं कि अगर हम इसराइल और अमेरिका के आगे अपनी पेशानी को नहीं झुकाएंगे तो हमारा तख्ता पलट जाएगा। लिहाजा आप देखा होगा, आपने कभी भी फिलिस्तीन की हिमायत में सऊदी हुकूमत बोलती हुई नज़र नहीं आती है, आप जानते हैं। लेकिन हमें हुसैन ने दर्ज दिया है कि हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहो। चुनांचे इसी सिलसिले से इमाम खुमैनी का एक जुमला है जो अपने अंदर बहुत मानाखेज़, ये जुमला है। इमाम खुमैनी ने इरशाद फरमाया था, क्योंकि कुरान की आयत है, वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। कुरान की आयत है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ए मुसलमानों, वअतसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और मुंतशिर ना हो, अलग ना हो। इसी सिलसिले में हज़रत इमाम खुमैनी इरशाद फरमाते हैं कि इतनी बड़ी तादाद मुस्लिम ममालिक की, लेकिन उसके बावजूद इसराइल का बाल बीका नहीं कर पा रहे हैं। चंद ममालिक हैं, उसमें सरे फहरिस्त जो सबसे ज़्यादा मुखालिफत करता हुआ मुल्क नज़र आता है, वो हुसैन का मानने वाला मुल्क ईरान है। कि हमेशा शुरू से, जब से इनकलाब कामयाब हुआ है, तब से मुखालिफत करता हुआ चला आ रहा है। क्यों ना है? क्योंकि गासिब इसराइल है, यह फिलिस्तीन इसराइल की सरजमीन नहीं है। तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि आज तमाम इस्लामी ममालिक अगर एक एक बाल्टी पानी इसराइल पर डाल दें तो इसराइल बह जाएगा, यानी नीस्तो नाबूद हो जाएगा। कितना अजीम पैगाम दिया है। लेकिन हमारे दरमियान मुस्लिम ममालिक के दरमियान इंतशार है। वो ज़ाहरी तौर पर नाम निहाद मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों की हिमायत करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आज इस वक्त के हालात आप जानते हैं। बैतुल मुकद्दस हमारा है, हमारी सरजमीन है, क़िबला अव्वल है हमारा। तकरीबन 14 महीने तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज अदा की है। ये सरजमीन जाए विलादत जनाब ईसा है। जनाब मूसा व जनाब दाऊद यहाँ पर मदफून हैं, और न जाने कितने अंबिया यहाँ पर दफन हैं। एक मुकद्दस सरजमीन है। होना तो ये चाहिए था तमाम अदियान इब्राहिम का ये शहर, ये मुल्क नुक्ते इश्तराक होना चाहिए था। लेकिन इसराइल क्या कर रहा है? ज़ुल्म बर्बरियत की इंतहा कर चुका है। इस वक्त जानते हैं तमाम ममालिक के हालात कोरोना वायरस की वजह से नासाजगार हैं, और इस नासाजगारी के हालत में भी इसराइल निहत्ते फिलिस्तीन पर जुल्म व सितम कर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को माओं से जुदा कर रहा है। लेकिन आज भी सिर्फ मुस्लिम ममालिक की बात नहीं है, और दीगर ममालिक खामोश तमाशाई बने हैं। जिसे सुपर पावर ताकत कहा जाता है अमेरिका, वो भी खामोश तमाशाई बना हुआ है, और इसराइल के जुल्म के आगे झुका हुआ नज़र आ रहा है। परवरदिगार हमें तौफीक अता करता रहे कि हम हमेशा मजलूमों की हिमायत करते रहें और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करते रहें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मौलाना हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अकील हुसैनी साहब क़िबला बनारस को कि वो आएँ और अपने ख्यालात पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد حضرات एक इस्लाम एक ऐसा मज़हब है एक ऐसा दीन है कि जो न तो ज़ुल्म करने की इजाज़त देता है और ना ही ज़ुल्म सहने की इजाज़त देता है, बल्कि वो जो एक फितरी तकादा है और वो जो कि मेयार इंसानियत है कि जिससे इंसान पहचाना जाता है और इंसान होने का जो इम्तियाज़ है, बल्कि उसे अगर शरफ़ इंसानियत कहा जाए वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो ये है कि हकीकतन इंसान वही है कि जो न जुल्म करे न जुल्म को बर्दाश्त करे, जिस उन्वान से भी हो उसकी आवाज़ जुल्म के ख़िलाफ़ बुलंद होनी चाहिए। अब वो जुल्म चाहे उसकी अपनी ज़ात के ऊपर हो रहा हो या किसी गैर के ऊपर किसी दूसरे के ऊपर, वो उससे वाबस्ता हो चाहे उससे वाबस्ता ना हो, ये इंसान का अव्वलीन फरीज़ा है कि वो मज़लूम के ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, होने वाले ज़ुल्म को रोके, नहीं रोक सकता कि तो हद अकल जो मुतालबा है वो ये है कि अगर वो अपने हाथ पांव से उसे नहीं रोक सकता तो कम से कम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो और मज़लूम का हमनवा बने, उसका यावर व मददगार बने। कायनात में सन 1948 यानी 40 की दहाई में एक हुकूमत कायम हुई कि जो ज़ालिम तरीन हुकूमत फसादी तरीन हुकूमत गासिब तरीन हुकूमत है कि जिसे इसराइल की हुकूमत कहा जाता है, ज़मीन गस्ब करके बउनवान मेहमान उस जगह पे कि जहाँ फिलिस्तीनियों ने अपनी मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए उनको रहने के लिए जगह दी थी, उसे गस्प करके उसके ऊपर एक ज़ालिम हुकूमत की बुनियाद डाली गई कि जिसे इसराइल कहा जाता है। ये और बात है कि सबसे पहले इस ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ जिसने आवाज़ बुलंद की है वो एक आलमी रहनुमा और एक आलमी रहबर कि जिसे दुनिया इमाम खुमैनी के याद नाम से याद करती है, उनकी ज़ाते वाला सिफात थी और उनका दिया हुआ ये तोहफ़ा है आलम इस्लाम को, और उन्होंने वो दीन का दर्स वो दीन का सबक हमें दिया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खामोशी हरगिज़ जायज़ नहीं है। जब सन 1948 के बाद हुकूमत के कायम होने के बाद जब जनूबी लुबनान के ऊपर कब्ज़ा हुआ तो इमाम खुमैनी ने माह मुबारक रमज़ान की के आखिरी जुमे को यौमुल कुद्स के नाम से मौसूम फरमाया और आलमी तौर के ऊपर इसराइल और इस्राइल के ख़िलाफ़ मुजाहरा करने की और आवाज़ बुलंद करने की दावत दी फिलिस्तीनियों की हिमायत में और क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए एक दिन मुअय्यन हुआ कि जिसे यौमुल क़ुद्स कहा जाता है और इसका एक दूसरा नाम भी है कि यौमुल इस्लाम, ये इस्लाम का दिन है।
ये इस्लाम का रोज़ है। बज़ाहिर बाज़ लोग सवाल ये करते हैं कि इस आवाज़ बुलंद करने से क्या फ़ायदा, हमारे मुजाहरा करने से, हमारे एतराज़ करने से, हमारे ये जुलूस वग़ैरह और ये पोस्टर और बैनर वग़ैरह लगा करके अपने गम गुस्से का इजहार करने से उनके सेहत पे असर क्या पड़ेगा। शायद हमें नहीं मालूम है कि क्या असर पड़ रहा है, इसलिए कि अगर असर न पड़ रहा होता तो इसराइल की तरफ से बार बार ये मुतालबा न किया जाता कि इस दिन को बंद किया जाए। ये मर्ग बर इसराइल और मौत बर इसराइल के जो नारे सारी कायनात में बुलंद हो रहे हैं आगए खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के तुफैल में, इसे रोका जाए, इसे ख़त्म किया जाए, इसे तमाम किया जाए। ये आखिर क्यों मुतालबा हो रहा है? इस मुतालबे का इसराइल की तरफ से होना इस बात की दलील है कि उनको बाकायदा तौर पे फ़र्क पड़ रहा है। अगर फ़र्क ना पड़ रहा होता तो वो इसकी तरफ से बेरुखी का इजहार करते, बेतवज्जुही का इजहार करते, लेकिन बार बार मुतालबा करना इस बात की दलील है कि वो ये बात समझ रहे हैं कि नहीं मालूम कि ये छोटी सी चिंगारी कब एक आतश फिशा का रुख अख्तियार कर ले और एक आतश फिशा में तब्दील हो जाए कि जिसकी आग में पूरे इसराइल का वजूद नीस्त नाबूद हो जाए और जल के खाक हो जाए। कोशिश में है कि किसी सूरत से हमारे वजूद को ईरान तस्लीम कर ले, कबूल कर ले, जबकि उसे बेफिक्र होना चाहिए क्योंकि सारी कायनात के जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, हत्ता जो इस्लामी ममालिक के बड़े बड़े रहनुमा ममालिक हैं, वो भी उसके वजूद को तस्लीम कर चुके हैं और उनकी एम्बेसियाँ बाकायदा तौर पे उनके ममालिक में खुल चुकी हैं, चाहे वो टर्की हो और अभी सुनने में आया है सऊदी अरबिया और दीगर इस्लामी ममालिक में बाकायदा तौर के ऊपर ये एम्बेसियाँ खोली जा रही हैं, उसे कबूल किया जा रहा है, सफरा की और सफ़ीरों की आमद और रफ्त बाकायदा तौर के ऊपर हो रही है। लेकिन तना एक ईरान है कि जिसने इसराइल को कोई मुल्क तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आखिर इसकी वजह क्या है कि इसराइल कोशिश कर रहा है कि ईरान हमारे वजूद को तस्लीम कर ले, जिसे सारी कायनात तस्लीम कर चुकी है। अगर ईरान एक छोटा सा 7 करोड़ 7.5 करोड़ की आबादी वाला एक छोटा सा मुल्क अगर तस्लीम नहीं करता है तो फ़र्क क्या पड़ता है? तो बात सिर्फ इतनी है कि फ़र्क पड़ता है, इसीलिए इसराइल की तरफ से हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि ईरान उनके वजूद को तस्लीम कर ले। और ईरान वो पैगाम के जो इमाम खुमैनी दे करके गए हैं, आज भी उस पैगाम के ऊपर और उस हुक्म के ऊपर बाकी है कि जो हुक्म आगा खुमैनी ने नाफिस किया था कि इसराइल एक नामशरू हुकूमत है, इसराइल एक नाजायज़ हुकूमत है, इसराइल एक गासिब हुकूमत है। और ये पैगाम सारी कायनात को आगा खुमैनी उसी वक्त दे के चले गए थे कि याद रखना कि आने वाले दिनों में सारी काय कायनात में होने वाले हर फसाद की अगर कोई जड़ होगा तो वो यही मुल्क होगा। आज पूरी कायनात में देख डालिए, ये जितने भी क्राइसिस हमें नज़र आ रहे हैं, जितनी भी वबाएँ नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे इसराइल का हाथ मौजूद है। क्यों? इसलिए वो ये चाहते हैं कि सारी कायनात का इख्तियार हमारे हाथों में हो, सारी कायनात की बागडोर और उसकी लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए कि हम जिधर चाहें उधर उसे लेकर के जाएं। माशियात को अपने कब्ज़े में कर लिया गया है, मीडिया को अपने कब्ज़े में कर लिया गया है, बैंक्स जितने भी हैं वो सब उनके कब्ज़े में हैं। किसी को लालच दे के, किसी को डरा के, किसी को बहला के, फुसला के, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादातर ममालिक हैं कि जो इसराइल के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। और वो खराबियाँ, वो फसाद, वो बर्बादियाँ के जो आज से पहले इस उनवान से हमें नज़र नहीं आती थी, आज नज़र आ रही हैं। उसका सबब अगर कोई मुल्क है तो वह है इसराइल। ये यौम कुद्स,
ये मनाया जाता है इसराइलियों की, फिलिस्तीनियों की और उन मजलूमों की हिमायत में कि जिन पे इसराइल जुल्म कर रहा है, और उस क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए कि जो हमारा सबसे पहला क़िबला है कि जिसे हम बैतुल मक़दस के नाम से याद करते हैं। आइए मिल करके हम इस यौम इस्लाम को मनाएं और इस आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाएं कि जो आवाज़ आगा खुमैनी ने आज से सालों पैसे पहले बुलंद की थी, और कायनात तक ये पैगाम पहुंचाएं कि वो आवाज़ के जो कल इमाम खुमैनी ने बुलंद की थी आज तक बाकी है, वो हमेशा बाकी रहने वाली है जब तक कि इसराइल का वजूद इस सफ़े हस्ती से मिट नहीं जाता, वो जालिम हुकूमत, वो जालिम जाबिर हुकूमत। और ये हम पे फ़र्ज़ भी है चूँकि हम जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाले और मज़लूम का साथ देने वाले, यही हमारी पहचान है और यही उनवान है हमारी फ़र्श-ए-अज़ा का और करबला के ग़म का। हम करबला का ग़म मना करके हर साल अज़ाए सैयदा, अज़ाए सैयदुश्शुहदा बिछा करके कायनात को ये पैगाम देते हैं कि हम जालिम यजीद के साथ नहीं हैं बल्कि मज़लूम हुसैन के साथ हैं। तो हम पे फ़र्ज़ बनता है कि अगर वाकयन हम हुसैन के चाहने वाले हैं तो कायनात में होने वाले किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ सबसे पहली आवाज़ अगर बुलंद होनी चाहिए तो हमारी बुलंद होनी चाहिए। अब वो जुल्म जिसके ऊपर भी हो रहा हो, चाहे वो हमारी कौम का हो चाहे हमारी कौम का ना हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो, जहाँ भी जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम आवाज़ बुलंद करें। और यकीन मानिए कि अगर ये आवाज़ बुलंद न की गई तो खुदावंद आलम भी उस खामोश रहने वाली कौम को उसी जुल्म का शिकार करार देती है। आखिर में खुदा की बारगाह में दुआगो हैं कि खुदावंद आलम जल्द अज जल्द फ़िलिस्तीन को इसराइल से रिहाई अता फरमा और क़िबले अव्वल बैतुल मक़दस को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और इस फिलिस्तीन इसराइल का ख़ात्मा जल्द अज जल्द हो जाए। वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर साहब क़िबला बनारस को कि वो आएँ और अपने ख़यालात पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها। नाज़रीन किराम, आज यौम क़ुद्स है, आज ग़ासिबों के ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज उठाने का दिन है, आज मज़लूमों की हिमायत करने का दिन है, आज ख़ुद को इंसान बताने का दिन है। इसलिए कि अगर कोई इंसान है तो उसे चाहिए कि दूसरे इंसान से मोहब्बत करे। यानी आज का दिन इस्लामी एतबार से भी और इंसानी एतबार से भी और इंसान के अपने ज़मीर के एतबार से भी उसे चाहिए कि वो फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की हिमायत करे और ग़ासिब सहयोनिज़्म ताक़तों की मज़म्मत करे जिन्होंने मज़लूमों से उनका हक़ छीन रखा है। और अगर एक मंजिल में और आगे बढ़ूं तो आज हर अली के चाहने वाले को अली की वसीयत पे अमल करने का दिन है। इसलिए कि अगर अमीर कायनात ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ये बात कही है कि देखो हमेशा मज़लूमों का साथ देना
और जालिमों के मुकाबले में आवाज़ एहतजाज बुलंद करना, उनसे दुश्मनी बरतना, तो ये सिर्फ मौलाए कायनात का इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुतालबा नहीं था, बल्कि उस बाप का कि जिसे पैगंबर इस्लाम ने पूरी उम्मत का बाप बताया है, उस बाप का मुतालबा उस उम्मत के हर फर्जंद से था कि देखो अगर वाकई तुम अली के फर्जंद हो, वाकई तुम मेरी सीरत पे चलना चाहते हो, तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम यहूदियत के ख़िलाफ़, तुम हर ऐसे गासिब के ख़िलाफ़ कि जो किसी का हक़ गस्प कर रहा हो, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज बुलंद करो। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? मैं सिर्फ इसी एक बात पे और तारीख से एक सनद लेते हुए गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा कि कुद्स के मुकाबले में हमारी क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें आवाज़ एहतजाज बुलंद करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई ये सोचे कि इस हमारी आवाज़ एहतजाज से फायदा क्या होगा। आइए पढ़िए तारीख। जंगे उहद में जब मुसलमानों का जीतता हुआ लश्कर हार के कगार पे पहुंचा, और उस वक्त कि जब अबू दज्जाना जैसा रसूलुल्लाह का सिपाही जख्मी हो चुका है, जनाबे हमजा सैयदुश्शुहदा शहादत का जाम पी चुके हैं, अमीर कायनात अपने जिस्म के ऊपर जख्मों को सजाए हुए हैं, पैगंबर इस्लाम के दंदाने मुबारक टूट चुके हैं, नबी जख्मी हो चुका है, नबी को अमीर कायनात बचा के एक पहाड़ की दामन में, एक पहाड़ के साये में लेके आए हैं, और उस वक्त जब कुफ्र का लश्कर खुशी में नारे बुलंद करना शुरू करता है, आला हुबल आला हुबल, यानी हुबल से ज़्यादा बुलंद, हुबल से ज़्यादा मजबूत, यानी वो अपने बुतों का तस्करा करते हुए ऐलान कर रहे थे उससे ज़्यादा कोई मजबूत नहीं है, उससे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है। उस वक्त पैगंबर इस्लाम ने मुसलमानों से कहा अगर इनके मुकाबले में जाके जंग नहीं कर सकते तो इनके इस नारे का जवाब दो और आवाज़ दो कि अल्लाह हो आला व अजल, अल्लाह से ज़्यादा ना कोई बुलंद है, ना कोई बाबरकत है, ना कोई ताकतवर है। यानी पैगंबर इस्लाम ने हमें एक दर्स दिया कि जब तुम दुश्मन के खिलाफ महाज पे न जा सको तो तुम्हारा काम यह है कि उसके खिलाफ नारे लगाओ, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करो। आज अगर हम जाके इसराइल से मुसलमानों की हिमायत में लड़ नहीं सकते तो कम से कम अपनी मस्जिदों से, अपने घरों से, अपने महलों में कम इसराइल मुर्दाबाद के नारे तो लगा सकते हैं। कम से कम हम फिलिस्तीनियों की ज़िंदगी और उनकी कामयाबी की दुआ तो कर सकते हैं। हम उनके गासिब अफराद और उस हुकूमत की तबाह बर्बादी की दुआ तो कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। हम इस वक्त कम से कम इस नारे का क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? इसका सबसे मुख्तसर फायदा यह होगा कि जहां आज जहनों में यह बिठाया जा रहा है कि मुल्क का नाम इज़राइल है, उस जगह आपका यह नारा बताएगा कि नहीं, इस हुकूमत को यह गासिब हुकूमत है, यह हुकूमत हकीकत नहीं रखती बल्कि फिलिस्तीन का नाम जिंदा होगा, उस सरजमीन का नाम जिंदा होगा कि जिससे नबियों की दास्तानें जुड़ी हुई हैं। तो कम से कम हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपनी आवाजों से फिलिस्तीन का नाम तो जिंदा कर सकते हैं। और ये याद रखिए, हम अपनी आवाजों से अगर फिलिस्तीन का नाम जिंदा करने की कोशिश करेंगे तो
तो अल्लाह अपनी मदद के जरिए से, अल्लाह अपनी ताईद के जरिए से हमारी आवाज को पूरी कायनात तक पहुंचाएगा। यह आयतुल्लाह खुमैनी का ये एक जुमला आज पूरी कायनात क्यों याद रखे हुए है कि इज़राइल की कोई हकीकत नहीं है। अगर पूरा आलम इस्लाम मिलके एक एक बाल्टी पानी इज़राइल की तरफ डाल दे तो इज़राइल बह जाएगा, क्या मतलब सफ़े हस्ती से मिट जाए। मुश्किल यह है कि आज इस्लामी हुकूमतें आपस में मुत्तहिद नहीं हैं, बल्कि हम खुद एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ऐसे आलम में हमें चाहिए कि हम फिलिस्तीनियों का साथ दें, मजलूमों की हिमायत करके इस बात का ऐलान करें कि हम अमीर कायनात की बताई हुई बातों पे अमल करने वाले हैं, हम अहले बैत की सिखाई हुई बातों के ऊपर चलने वाले हैं, हम रसूल की बताई हुई सीरत पे अमल करने वाले हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इज़राइल मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद, सय्यूनिज्म ताकतें मुर्दाबाद, और मज़लूम फिलिस्तीन की हिमायत और उनकी दुआ करें, उनके लिए उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। परवरदिगार उन्हें कामयाबो कामरान कर, उनकी ताकतों में इजाफा फरमा। मेरे अल्लाह उनको जल्द अज जल्द अपने घरों में सुकून की सांस लेने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, इसी के साथ जो हकीकी वारिस है इन तमाम ज़मीनों का, इन तमाम अजीम मकानात का, यानी वारिस अहले बैत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और इस दुनिया को उसके नूर से, उसकी अदालत की हुकूमत से फैज़ियाब कर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम आली जना मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिज़वी साहब क़िबला को आवाज़ दूँ कि वो आएँ और अपने तासुरात पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुभानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मोमिनीन किराम व नाज़रीन ज़वील एहतराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रोग्राम आपकी खिदमत में बनारस के आज़ादार नौमी यूट्यूब चैनल के ज़रिए से पेश किया जा रहा है। हमारे ये जवान काबिल रश्क हैं, काबिल तारीफ़ हैं, और हम सब जानते हैं कि यह ज़माना सोशल मीडिया का है। यहाँ तक के अब तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी सोशल मीडिया ने पीछे कर दिया है, और हमारे होश हवास के ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया हावी हो गया है। लिहाजा ज़रूरी है कि हमारे जवान मआरिफ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद को दुनिया में आम करने के लिए सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हों, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है, जो कसम खुर्दा दुश्मन है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए से दीन मुबीन इस्लाम को कमज़ोर करने की नाकाम और मनहूस कोशिश कर रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए हमारे दिल से दुआ निकलती है कि जो सोशल मीडिया बिलखसूस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से मोहम्मद व आले मोहम्मद के इरशादात व फरामीन को पेश करते हैं। हम ऐसे जवानों को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। गुफ्तगू हमारी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम है, और ये मौजू तो बहुत तफसील तलब है, लेकिन मैं मुख्तसर करके पेश करना चाहता हूँ, और वो है मौजू योम कुद्स का।
आज से तकरीबन 40-42 साल पहले खुमैन की सरजमीन से एक मर्द आहन, एक अजीम इंसान, एक इलाही शख्सियत रूहुल्लाह, सैयद रूहुल्लाह अलमूसवी अलखुमैनी नाम की उठी और जिसने खुमैन की सरजमीन से एक ऐलान किया और एक अज़्म मुसम्मम, एक मुकम्मल इरादे के साथ उसने आवाज़ बुलंद की और नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े मजबूत ताकतवर हाकिम भी इस आवाज़ को सुनकर लरजने लगे। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की थी कि जब इनकलाब कामयाब हुआ, ईरान का इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ तो आपने बिबांग दोहल एक आवाज़ बुलंद की और आवाज़ दी ला शर्किया वला गर्बिया वहदा वहदा इस्लामिया, हम ना शर्क से वाबस्ता होंगे और ना ही गर्ब से वाबस्ता होंगे, वहदा वहदा इस्लामिया, हम ना मगरिब के ब्लॉक से वाबस्ता होंगे और ना ही मशरक़ के ब्लॉक से वाबस्ता होंगे, वहदा वहदा इस्लामिया, बल्कि हमारा तो ब्लॉक एक ही है और उसका नाम है अल्लाह, हम उससे वाबस्ता होंगे। पर इमाम खुमैनी ने फरमाया कि हर कस बा खुदा नमी तर से बा हमेमी तर से, जो शख्स खुदा से डरता है, हर कस बा खुदा मी तर से, जो शख्स खुदा से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। और उसके बाद आपने एक ऐलान किया, अजीमुशान ऐलान आपने इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद, और ये इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद जो ऐलान था वो ऐसा ऐलान था कि इसके ज़रिए तमाम मुसलमान अगर चाहें तो मुत्तहिद हो सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। और वो क्या है, वो इस इसराइल गासिब के ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज बुलंद करना। जानते हैं हम सब जानते हैं कि दीन इस्लाम का कानून ये है कि कभी भी जालिम के ख़िलाफ़ खामोश न रहो। खुद पैगंबर ने फरमाया हलिद दीन इल्ला हुब, दीन मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है, दीन में जो कुछ भी है वो मोहब्बत है। नमाज भी पढ़ते हैं तो मोहब्बत की बुनियाद पर, फर्श अज़ा पर भी आते हैं तो मोहब्बत की बुनियाद पर, हमारे हाथ मातम के लिए सीने तक पहुंचते हैं तो उसमें भी मोहब्बत ही सबसे अहम वजह हुआ करती है। तो क्या फरमाया पैगंबर ने हलिद दीन इल्ला हुब, दीन में मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ़ मोहब्बत है दीन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी से मोहब्बत की जाएगी तो किसी से नफ़रत भी की जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर हम फूल से मोहब्बत करते हैं तो हमें कांटों से भी नफ़रत करनी पड़ेगी, अगर हम इल्म से मोहब्बत करते हैं तो हमें जहालत से नफ़रत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम जालिमों से मोहब्बत करते हैं तो जिन पर जुल्म किया जा रहा है उनसे भी हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी। और इस्लाम का कानून तो ये है कि अगर मज़लूम किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रंग और नस्ल का भी हो, किसी भी इलाके का हो, अगर वो जुल्म का शिकार हो रहा है तो फिर याद रखो तुम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो। अगर सच्चे मुसलमान हो, किसी का मज़हब न देखो, मज़लूम है तो काबिल हिमायत है, ज़ालिम है तो काबिल अदावत और काबिल नफ़रत है। इसी कानून के तहत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया कि गासिब सहूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तमाम मुसलमान एक दिन साल में कम से कम जमा हो जाएं। वह दिन कौन सा इंतखाब किया? वो महीना जो था वो माह रमज़ान का था, जो सबसे मुक़द्दस महीना, तमाम 12 महीनों में अगर सबसे मुक़द्दस कोई महीना है तो उसे माह रमज़ान कहा जाता है। और सुनेंगे, और माह रमज़ान में अगर सबसे मुक़द्दस कोई दिन है तो उसे जुमतुल विदा कहा जाता है। खुमैनी अज़ीम ने, इस अज़ीम अल्लाह के बंदे ने
इस दिन का इंतखाब किया जो सबसे मुकद्दस दिन था, और कहा इस मुकद्दस दिन में हमारी जो मुकद्दस मस्जिद है जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है, उसकी कामी आज़ादी के लिए सब मिलजुल कर दुआ भी करो और एहतजाज भी करो। दुआ का ताल्लुक अल्लाह से है, एहतजाज का ताल्लुक इन जालिम हुक्मरानों से है। अल्लाह से कहो कि परवरदिगार हमारी इस मस्जिद को आज़ाद करो, और ख़ुद फिज़िकली तौर पे घर से बाहर निकलो और आवाज़ एहतजाज बुलंद करो, ताकि इन जालिमों तक हमारी आवाज़ पहुँचे और ये समझें कि मुसलमान जो है वो सोया हुआ नहीं है, मुसलमान ख्वाब गफलत में नहीं है। यही पैगाम है योम कुद्स का। काश हम ये समझ लें कोरोना वायरस की वजह से हम किसी फिज़िकली तरीके से तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आवाज़ एहतजाज बुलंद न करें। एक तरीक़ा हमसे छीना गया है वो भी बीमारी की वजह से कि तुम खबरदार सड़क पे ना आना, तो हम घर पे बैठकर तो आवाज़ एहतजाज बुलंद कर सकते हैं। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो को और इससे मिलते जुलते तमाम वीडियोज़ को इतना शेयर कीजिए, इतना फॉरवर्ड कीजिए, इतना दोनों तक पहुँचाइए कि ये ज़ालिम हुकूमतें जो हैं वो समझ लें कि मुसलमान अगरचे फिज़िकली तरीके से सड़क पर नहीं आ सकते, तो सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी दुश्मनी का और अपनी नफ़रत का इजहार इस ज़ालिम हुकूमत के साथ कर रहे हैं। यही हमारा पैगाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपनी जानिब से और अपने टीम बनारस के अदादार की जानिब से मौलाना आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब आइए, मैं बड़े ही अदब व इत्तराम के साथ आवाज़ देने जा रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ज़मीरुल हसन साहब क़िबला बनारस को, कि वो आएँ और अपने तासुरात पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलिया, अम्मा बाद। नाज़रीन, आलम इस्तिकबार के ख़िलाफ़ एहतजाज का दिन, जिसको इमाम राहिल हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा इमाम ख़ुमैनी तबसरा ने माह रमज़ान का आखिरी जुमा यानी जुमातुल वदा का दिन करार दिया था। ये दिन तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत अहम दिन है, और इसकी वजह यह है कि फ़िलिस्तीन में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ एक मुजाहरा, एक एहतजाज है, जिसको करना हर मुसलमान का आइनी और मज़हबी फरीज़ा है। हमें ज़रूरत है कि हम इस दिन आलम इस्तिकबार के ख़िलाफ़ यकजहती का सबूत दें और मुकम्मल तौर पर कायनात को रोशनास कराएं कि हमारा क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस, जो अंबिया किराम की आरामगाह भी है और तारीख इस्लाम का एक बेहतरीन मरकज़ है, इस मरकज़ का तहफ़्फ़ुज़ और इस मरकज़ की हिफाजत, यह हमारी ज़िम्मेदारी है। ईरान का इनकलाब जब आया, तो इनकलाब आने के बाद फौरन ही इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने यह एहतमाम किया कि एक दिन मिल्लत मज़लूम फ़िलिस्तीन का साथ दिया जाए, और इस तरीक़े से कायनात को बताया जाए कि आलम इस्लाम में कहीं भी मुसलमान अगर जुल्म के साए में और शिकंजे में है, तो हम उसकी हिमायत में आवाज़ उठाने के लिए, उसके साथ देने के लिए, ज़ाहिर है कि अगर हम फिज़िकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो कम से कम आवाज़ के साथ तो हम अपने गम गुस्से का इजहार कर सकते हैं। लिहाजा ये दिन बहुत अहम दिन है, और हमें इस दिन की अहमियत को समझना है। लोग ये सोचते हैं कि भाई आपके दो चार जुमले कहने से क्या होगा, लेकिन ज़माने को इस बात को मालूम होना चाहिए, आवाज़ न उठाने से हिम्मत और बढ़ती है, और जब आवाज़ उठाई जाती है तो हिम्मत पस्त होती है। हम जब जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, और इस्लाम तो
मजहबी है निज़ाम आदल का। इस्लाम तो जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाने के लिए हमको वादार करता है, हिम्मत देता है, हमें तैयार करता है। मौलाए कायनात ने भी हमसे ये कहा था कि देखो तुम हमेशा मज़लूम के हामी रहना और ज़ालिम के ख़िलाफ़ रहना। हम अगर अली वाले हैं, हम अगर मौला के चाहने वाले हैं, हम अगर अहले बैत के दोस्तदार हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ा बनता है कि हम इस चीज़ को अंजाम दें। इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक नंगा नाच इस्तिकबार चल रहा है और खेल खेल रहा है, खून की होली हो रही है, नागुनाह बेगुनाह अफराद के खून से ज़मीन को रंगीन किया जा रहा है, अगर हम ऐसे ही खामोश बैठे रहे तो हमने क्या किया। देखिए मनस भाव अलम यहतम मैं बेउमरुल मुस्लिमीन, पैगंबर का ये फरमान है कि वो मुसलमान नहीं है, वो मेरी उम्मत मेरा उम्मती नहीं है कि जो इस आलम में सुबह करे कि वो किसी मुसलमान के हिमायत में न रहे। तो हम कायनात के हर मजलूम मुसलमान की हिमायत में हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, यहाँ तक कि वो हमारा वारिस की जो पर्दे गए में वो इंशाल्लाह जोर फरमाए और कायनात को आदल से सरशार करे। हम आखिरी सांस तक इस बैतुल मक़दस के साथ हैं, मस्जिदुल अक्सा की रिहाई के लिए जितना भी मुमकिन हो सकेगा हम अपनी आवाज़ कायनात तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया एक बेहतरीन ज़रिया होता है, जाहिर है कि लोग नहीं चाहते हैं, हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने तौर पर जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक इस्तेफादा करेंगे। इन बनारस के आज़ादार चैनल वालों ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि अपने इस आलम कुछ आलमी यौम कुछ को अपने इस चैनल के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि लोग समझें कि बैतुल मक़दस क्या है। ये सिर्फ एक ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक मकान की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी की लड़ाई है, इस्लाम के परचम की बुलंदी की लड़ाई है। हम इस्लाम की हिमायत में, हम इस्लाम की नुसरत करने के लिए, हमारा खून का एक एक कतरा इस्लाम के लिए है। तो जहाँ भी ये जुल्म होगा हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, चाहे बहरीन में हो, चाहे यमन में हो, चाहे कहीं और। लेकिन दर हकीकत हम बोल रहे हैं इस वक्त यौमुल कुस्क के लिए, आलमी कुस्क का दिन है, हम बोल रहे हैं कुस्क बैतुल मक़दस के लिए कि इसको आज़ादी मिले, इसको रिहाई मिले, लेकिन दर हकीकत ये फ़कत एक बैतुल मक़दस की लड़ाई नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान तहत जुल्म है और इस्तकबार उन्हें अपना निशाना बनाए हुए है, हम उन तमाम लोगों की हिमायत में खड़े हुए हैं। जो हमसे मुमकिन है वो हम कर सकते हैं, वो करेंगे, दामे दिरमे सुखने जिस तरीके से भी हमसे मुमकिन हो सकेगा हम वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। परवरदिगार हमारी इस सही को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। ये अजीब बात है कि मुट्ठी भर यहूदी और इन्होंने अपना रंग कायनात पे इस तरीके से कायम किया हुआ है कि आज पूरी कायनात इनके जुल्म के तले सिसक रही है, कराह रही है और कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। थोड़े से अफराद के लिए सारे के सारे इंसान तहत जुल्म हो रहे हैं, क्यों आखिर? हर जगह पर इन्होंने अपना जोर चला रखा है, हर जगह इन्होंने अपना खेल खेल रखा है। हमारे मुल्क में भी इन्होंने एक चोला पहनकर आरएसएस का ये काम कर रखा है। हम ये बताना चाहते हैं हम उनमें से नहीं हैं कि जो बेअकली का मुजाहरा करते हुए दंगा और फसाद करते हैं। हम पुरअमन तरीके से एहतजाज रकम कराते हैं और एहतजाज हमारा रकम होता है। इस वक्त इस मरज़ करोना ने, वबाए करोना ने जाहिर है कि हमारे नमाज जुमा के सिलसिले से भी बहुत सी जगह पर पाबंदियां आयद की हुई हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं।
लेकिन हम अपने घर में भी रह करके खामोश तो नहीं रहेंगे। हम उस दिन को तकबीर की आवाज़ बुलंद करके, हम उस दिन को अपने तौर पर दुआ मज़लूम के हक़ में करके, ज़ालिम के ख़िलाफ़ नफरीन का इजहार करके हम बहरहाल हिमायत के लिए तैयार हैं और ये काम कर रहे हैं। परवरदिगार से दुआ है कि वो जल्द से जल्द इन ज़ालिमों को नेस्त व नाबूद फरमाए और जहाँ जहाँ आलम इस्लाम मुस्तरिब व बेचैन है उन सबको मुश्किलात से निजात अता करे। और साया रहबर जमहूरी इस्लामी का हमारे सर पर कायम व दायम रहे कि हम उनकी रहबरी के साए में और उनके फरमान और फरमुदात के साए में हम हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। परवरदिगार से इसी उम्मीद के साथ हम तमाम नाज़रीन से ये दुआ करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो दुआ करें और हम उनके हक़ में भी दुआ कर रहे हैं कि उनकी तौफीकात में परवरदिगार इजाफा फरमाए। वो हमेशा अपने को जुल्म के ख़िलाफ़ महाज आराई करते हुए एक सफ में खड़े रहें और हमेशा इजहार बरात करते रहें। ये बिल्कुल वैसे ही इजहार बरात का दिन है जिस तरीके से कल फतेह मक्का के मौके पर भी इजहार बरात के लिए सूरह बरात लेकर हमारा मौला गया था। ज़ाहिर कुफ्फार मुशरिकीन ने जो मुसलमानों की ज़िंदगी तंग की हुई थी तो वहाँ पर यह काम मौला ने किया था। हम अगर मौला के चाहने वाले हैं तो हमें भी उनकी सीरत के ऊपर चलते हुए जहाँ जहाँ ये काम हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ बोलना है और आवाज़ उठानी है। इंशाल्लाह हमारी नहीफ आवाज़ एक दिन मजबूत बनेगी और ये बैतुल मक़दस आज़ाद होगा, हमारा क़िबला अव्वल आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। वाखरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने हमारे इस चैनल को अपना कीमती वक्त दिया। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आवाज़ दे रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद ज़फ़र हुसैनी साहब क़िबला इमाम जुमा बनारस को कि वो आएँ और अपने तासुरात पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहित ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाईन। अम्मा बादु, फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला عليه وآله وسلم من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم। हज़रात, इस वक्त हम जिन अहम और बेहद काबिल तवज्जो अय्याम से गुज़र रहे हैं वह है माह मुबारक का आखिरी अशरा और रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन। अल्लाह ने इस पूरे महीने को बाअज़मत और बाबरकत करार दिया है, लेकिन ये महीना तीन अशरों में तकसीम होता है इस एतबार से कि पहले अशरे से ज़्यादा अहमियत दूसरे अशरे की है और दूसरे अशरे से ज़्यादा अहमियत तीसरे और आखिरी अशरे की है और इसी आखिरी अशरे का जो जुमा होता है वो जुमातुल विदा कहलाता है जिसकी नमाज हर साल पूरे एहतमाम के साथ अदा की जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि इस साल लॉकडाउन का सिलसिला है और तमाम दीनी और कौमी इज्तिमा मुलतवी कर दिए गए हैं एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र और हुकूमत की तरफ से भी इस सिलसिले में हिदायत बार बार जारी होती रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने इस सिलसिले में अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को और फ़राइज़ को निभाया है। लेकिन कुछ ऐसे फ़राइज़ हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते
और उनके लिए उमूमी इज्तिमा का भी होना ज़रूरी नहीं है। हम घरों में बैठकर भी अपनी उन तमाम ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे सकते हैं। मुझे इस वक्त आपकी खिदमत में जो कुछ अर्ज़ करना है उसके लिए पैगंबर ख़त्मी मर्तबत के एक इरशाद को मैंने अपनी गुफ्तगू का उनवान बनाया है, जिसमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो इस आलम में सुबह करे कि उसे मुसलमानों के उमूर की फ़िक्र न हो तो हकीकतन वो मुस्लिम नहीं है, मुसलमान नहीं है। ये पैगंबर का इरशाद हमें अपनी दीनी और कौमी ज़िम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह करता है। यकीनन मुमकिन है कि हम इनफरादी तौर पर बहुत कायदे की ज़िंदगी बसर कर रहे हों, आराम व आसाइश के माहौल में जी रहे हों, हमारे लिए न खाने पीने का कोई मसला हो न और हिफाजती नुक्ते नज़र से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दरपेश हो। मुमकिन है कि हम अपनी इनफरादी ज़िंदगी अच्छे अंदाज में गुजार रहे हों, अमन व सुकून के साथ, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारे दीगर बरादरान इस्लामी वो किस हाल में हैं और वो किन हालात से दो चार हैं और उनकी ज़िंदगियाँ किस उनवान से बसर हो रही हैं। इसलिए कि इस्लाम खुदगर्जी नहीं सिखाता है, इस्लाम इंसान को सेल्फिश बनकर जीने की तालीम नहीं देता है, बल्कि अल्लाह ने हमको इज्तिमा में पैदा किया है, लिहाजा इज्तिमा के सिलसिले में भी हम पर ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। और जहाँ तक बरादरान इस्लामी के सवाल है तो जितने भी कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह के शरीक हैं, परवरदगार आलम ने हमारे और उनके दरमियान उखुवत का रिश्ता कायम किया है। कुरान में साफ साफ इन्नमल मोमिनूना इख्वा कि तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं, तो ये उखुवत और भाईचारगी का रिश्ता जो हमारे दरमियान है ये हम पर ज़िम्मेदारियाँ आयद करता है कि अगर फर्ज कर लिए हम खाना खा के और पेट भर के सो रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारे दीगर मुसलमान भाई भी ग़िज़ा उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, भूखे तो नहीं सो रहे हैं। इसी सूरत से हमें ये भी देखना होगा कि हम अगर सुकून और अमन के माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो ज़ुल्म तशद्दुद के शिकार बन रहे हों, उनके खून से ज़ालिमों के हाथ रंगीन हों, उनसे जीने का हक़ छीन लिया गया हो, तो इन तमाम चीज़ों का हमें सामने रखना होगा। जब हम इन फ़राइज़ को सामने रखेंगे तो हकीकतन हम उस वक्त सामने न सिर्फ फ़राइज़ को सामने रखेंगे बल्कि हम उन फ़राइज़ के सिलसिले में अपने ऊपर आयद होने वाली ज़िम्मेदारियों को अंजाम देंगे, तब हकीकतन हम सही मुसलमान कहे जाने के लायक होंगे। मुझे इस तमहीद के ज़रिए आपके जहनों को यौमुल कुद्स की तरफ मुतवज्जह करना है। यौमुल कुद्स का मतलब वो दिन जिसे मुसलमानों के क़िबले अव्वल बैतुल मक़दस के सिलसिले में, जिसे हम उर्दू में बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, बैतुल मक़दस के सिलसिले में आवाज़ एहतजाज बुलंद करने के लिए मखसूस किया गया और हकीकतन ये अज़ीमुश्शान काम जो इस सिलसिले में अंजाम पाया है और जिस शख्सियत ने माह मुबारक रमज़ान के आखिरी जुमे को जुमतुल विदा को यौमुल कुद्स के उनवान से मौसूम किया है वो कोई और शख्सियत नहीं बल्कि मरजाए आलम तशय्यो, रहबर कबीर इनकलाब, कायदे आलम इस्लाम
आयतुल्लाह अल-उज़्मा हज़रत इमाम खुमैनी ताबसरा की ज़ाते ग्रामी थी। हमें अल्लाह का वाकई शुक्र अदा करना चाहिए कि इस दौर में एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिसने हमें अपने तमाम इनफरादी और इज्तमाही फ़राइज़ और अपनी इनफरादी और इज्तमाही ज़िम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह फरमाया। यकीनन वो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनकी कोशिशें, उनकी काविशें, उनका मिशन, ये सब आज भी मौजूद है। और ये मिशन रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब मरजाए आलम तशय्यो वली अमर मुस्लिमीन आयतुल्लाह अल-उज़्मा हज़रत आगा सैयद अली खामेनई मुद्दतुल अली के ज़ेर क़्यादत आगे बढ़ रहा है। और इस सिलसिले में आपकी खिदमत पे अर्ज़ कर दूँ कि यकीनन बैतुल मुक़द्दस के सिलसिले में आवाज़ एहतिजाज बुलंद करने के लिए ये जो इमाम खुमैनी ने ऐलान फरमाया था कि आखिरी जुमा योम खुस के उन्वान से मनाया जाए, तो हकीकतन ये बैतुल मुक़द्दस तक महदूद नहीं है। अव्वल तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि एक आलमी एहतिजाज का दिन है और इसका ताल्लुक किसी एक ख़ास मुल्क और किसी एक ख़ास सरजमीन से नहीं है, बल्कि मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं भी आबाद हैं, जहाँ कहीं भी बसते हैं, उन सब से इस फरीज़े का ताल्लुक है। उन सब के लिए यौमुल क़ुस है और यौमुल क़ुस के सिलसिले में आयद होने वाली ज़िम्मेदारियाँ उनके दोष पे आयद होती हैं। तो यौमुल क़ुस हकीकतन बैतुल मुक़द्दस के लिए है, लेकिन इसी के साथ साथ दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान आलमी साम्राज्य के ज़ुल्म सितम का निशाना बन रहे हैं, अपने अपने मुल्कों की हुकूमतों के ज़ुल्म के शिकंजे में कसे जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी उनका खून बहाया जा रहा है, जहाँ कहीं भी उनके हुकूक पामर किए जा रहे हैं, तो ये यौमुल क़ुस हमें उन सब के सिलसिले में सदाए एहतिजाज बुलंद करने की दावत देता है। और इसके तमाम पहलुओं में से एक पहलू आलम इस्लाम के वहदतों यकजहती और इत्तेहाद के मुजाहरे का भी है। यानी हकीकतन जब हम बैतुल मुक़द्दस के दिन यौमुल क़ुस के यौमुल क़ुस में पूरी दुनिया में सदाए एहतिजाज बुलंद करते हैं, तो दुश्मनान इस्लाम इसलिए भी खौफजदा होते हैं कि तमाम मुसलमान एक ही आवाज़ बुलंद करते हैं और एक ही बात कह रहे होते हैं, और यह हमारे इत्तेहाद यकजहती के मुजाहरे का एक बेहतरीन उन्वान है। और यौमुल क़ुस की जो अहमियत है, हकीकतन वो सिर्फ फ़िलिस्तीन तक महदूद नहीं है। अगर हम फ़िलिस्तीन में होने वाले मुसलमानों पर ज़ुल्म जौर के सिलसिले में खामोशी इख्तियार कर लें और यौमुल क़ुस के सिलसिले में अपने कानों में तेल डालकर बैठ रहें और अपनी शरीर ज़िम्मेदारियों को अंजाम न दें, सदा एहतिजाज बुलंद न करें, तो इससे सिर्फ फ़िलिस्तीन वालों का नुकसान नहीं होना है, बल्कि हमारा ख़ुद भी नुकसान होगा। और ये इस बात की दलील बनेगा कि हम सिर्फ एक नाम के मुसलमान हैं, यानी हम अपने शरई और दीनी फ़राइज़ को पहचानते नहीं हैं। इसलिए कि हकीकतन बैतुल मुक़द्दस जो फ़िलिस्तीन में इस वाक़े है, ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। खाना काबा से पहले जिस तरफ आलम इस्लाम सजदा करता था और जिस तरह रुख करके नमाज पढ़ी जाती थी, वो यही बैतुल मुक़द्दस है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल। कि जब तहवील क़िबला का हुक्म आया तो उस वक्त क़िबला तब्दील हुआ और खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ी जाने लगी। और बैतुल मुक़द्दस वो जगह है जहाँ हज़ारों अम्बिया ने नमाजियाँ अदा की हैं, खुद सरकार ख़त्मी मरतबत। रवायत के मुताबिक जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो आ हज़रत ने सबसे पहले
بیت المقدس میں نماز ادا فرمائی, مسجد اقصی میں نماز ادا فرمائی, اس کے بعد پھر آسمان پہ گئے, معراج میں تشریف لے گئے. پیغمبر نے نماز ادا کی, دیگر انبیاء نے, اور اس کے علاوہ انبیاء, بہت سارے انبیاء اور انبیاء کی ازواج مطہرات اور ان کے خانوادے کے افراد کی قبریں ہیں وہاں, تو وہ آج کل بھی ہمارے لیے مقدس تھا, آج بھی ہمارے لیے مقدس ہے اور ہمیشہ ہمارے لیے مقدس رہے گا. ہم بیت المقدس سے غفلت نہیں اختیار کر سکتے. اگر بیت المقدس کے سلسلے میں مسلمانوں کے خون میں گرمی نہ پیدا ہو تو انہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا نہیں چاہیے, مسلمان کہنا چھوڑ دینا چاہیے. تو بیت المقدس کا مسئلہ سر فہرست, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمان جن کو اسرائیل بے وجہ ظلم و جور کا نشانہ بنا رہا ہے, صرف اپنی جبروتیت کو اور اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے, اور سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کا وجود غیر قانونی ہے, یعنی زبردستی انہیں یورپ کے ملکوں سے جہاز میں لا لا کر فلسطین کی سرزمین پر بسایا گیا. اسرائیل کا وجود ناجائز وجود ہے, وہاں پہ غیر قانونی وجود ہے. اسرائیل اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کے نتیجے میں, خاص طور پر عالم اسلام کے خلاف وسیع اور عظیم سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسے لا کے وہاں رکھا گیا اور بسایا گیا ہے, اور آئے دن وہ چاہتا ہے کہ پورے فلسطین پہ قبضہ کر لے اور خاص طور پہ بیت المقدس کو اپنے تسلط میں لے لے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس سلسلے میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں, ہم اس سلسلے میں خاموشی اختیار نہیں کر سکتے ہیں. اگر دشمنان اسلام اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یکجہتی اور اس سے کام لے رہے ہیں, اور سب کے سب ہزار اختلافات کے بعد ایک مرکز پہ جمع ہیں, یہودی, عیسائی, زرتشت, مشرک, کافر, کمیونسٹ, سوشلسٹ, ایتھیسٹ, یہ جتنے کے جتنے ہیں سب کے سب مسلمانوں کے خلاف ایک مرکز پہ جمع ہیں, اور اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر سب سے بڑا خطرہ کسی سے ہے تو وہ مسلمان ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ایسے میں اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنی شرعی اور دینی اور قومی ذمہ داریوں کو انجام دیں تو ان میں جو انہیں جرات حاصل ہوگی, کل آج وہ فلسطین میں اپنے ظالمانہ منصوبوں کا عملی کر رہے ہیں اور کل جو ہے پوری دنیا میں عملی کریں گے, اور یہی ہو رہا ہے. جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی ہے وہاں ان کے جان و مال و آبرو کی کوئی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ان کی جان و مال و آبرو خطرے میں ہیں. تو مجھے اختتام کے طور پر یہاں پر صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ ہماری جان, مال, آبرو سب محفوظ رہے تو ہمیں تمام شعبوں میں اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہوگا, اور واقعاً اگر ہمارے اندر دین کی اور مذہب کی ایک رمق بھی پائی جاتی ہے تو ہمیں یوم القدس کے سلسلے میں متحد ہو کر آباد احتجاج بلند کرنا ہوگی, اور اس سلسلے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے, نہ لاک ڈاؤن رکاوٹ بن سکتا ہے, اور نہ ہم کل بھی اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرتے تھے, آج بھی آواز بلند کر رہے ہیں اور ہمیشہ آواز بلند کریں گے. اسی صورت سے جتنی اسلام دشمن طاقتیں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے وہ فرانس ہو, اور چاہے وہ چین ہی کیوں نہ ہو, چین میں بھی مسلمانوں پر کمزور نہیں ہوتا ہے, چین میں بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو جہاں کہیں دنیا کے جس حصے میں بھی ظلم ہوگا, جس حکومت کے ذریعے بھی ہوگا, جن لوگوں کے ذریعے بھی ہوگا, ہم ان کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں گے. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے, اور حقیقتاً ہماری اس شرعی ذمہ داری کے سلسلے میں ہمیں جہاں رہبر انقلاب کی سرپرستی حاصل ہے, وہیں ہم کو ان سے بڑھ کر امام زمانہ کی سرپرستی حاصل ہے. اور حقیقتاً کربلا کا یہی مفہوم ہے. امام عالی مقام نے جو کہا تھا حیات مزل میں ذلہ, سرکاری سید الشہدا کا یہ عظیم ترین نعرہ ہے, انقلابی نعرہ ہے, کہ ذلت اور رسوائی ہم سے بہت دور ہے. جو کربلا والے ہیں وہ گلا کٹانا, سر کٹانا گوارا کر سکتے ہیں, مگر ذلت اور رسوائی کی زندگی گوارا نہیں کر سکتے, یزیدیت کے سامنے جھکنا پسند نہیں کر سکتے, تواغیت
की ताकत के सामने सरे नियाज खम नहीं कर सकते। जहां दूसरों की और सबकी जिम्मेदारी है, वहां हकीकतन सबसे ज़्यादा उन लोगों की जिम्मेदारी है सदा ज़ियाद बलंद करना जिनका ताल्लुक करबला से है, जिनका ताल्लुक अइमे मासूमीन से है। चुनांचे हमारा इमाम इस सिलसिले में हमारी सरपरस्ती कर रहा है, हमें घबराने की, परेशान होने की और किसी भी ताकत से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी शरी जिम्मेदारी को अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा और इमाम ज़माना हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मर्ग बर इसराइल, मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर दुश्मनान इस्लाम। हम एक बार फिर आप तमाम उलमाए कराम का अपनी जानिब से और अपनी टीम बनारस के अदादार की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं और आप तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप इस वेबिनार को ऑनलाइन देख रहे थे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।